नमस्कार, आज हम आपको अपनी विधाता मॉडल JF 2D मशीन के मेंटेनेंस ब्लेड शार्पनिंग के बारे में बताएंगे। इस मशीन को डेरी गुरु भी बोला जाता है। सबसे पहले मशीन के काउंटर ब्लेड के नीचे के बोल्ट ढीले कर दें ताकि काउंटर ब्लेड का एडजस्टमेंट किया जा सके। ब्लेड ढीले करने के बाद काउंटर ब्लेड का एडजस्टमेंट करें। एडजस्टमेंट करने के लिए मेन ब्लेड और काउंटर ब्लेड के बीच में गैपिंग एक कागज़ के बराबर होनी चाहिए ताकि चारा इजीली कट सके और एनर्जी वेस्ट ना हो। बहुत ही ध्यान से एडजस्टमेंट करें, गैप बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। बहुत ही कम गैप रहेगा तभी चारा अच्छा कटेगा। गैप को अच्छी तरह मिलाने के बाद इसके नीचे के बोल्ट टाइट कर दें। बोल्ट अच्छी तरह टाइट करें। इसके बाद मेन ब्लेड को धार लगाने के लिए मेन ब्लेड के नट बोल्ट खोलें। नट बोल्ट खोलने के बाद उन ब्लेडों पर धार लगाएं। ध्यान रहे कि धार सिर्फ कटिंग एज पर ही लगाएं। धार रेती या ग्राइंडर से लगा सकते हैं। धार ज़्यादा नहीं लगाएं, सिर्फ एज पर थोड़ी धार लगाएं ताकि शार्पनिंग हो सके। कटिंग हैमर जो कि चार लाइफ है उसको निकालने के लिए पीछे से पिन को आगे करें। पिन आगे हो जाएगी, उसके बाद प्लास से पकड़कर पिन को बाहर निकाल दें। पिन बाहर निकालते ही सारे हैमर नीचे गिर जाएंगे। हैमर गिरने के बाद उन हैमरों को आप अलग दिशा में पलट सकते हैं। जैसे देखिए, इस हैमर की चार लाइफ हैं। जिस लाइफ से हैमर घिसा हुआ है उस तरफ से हैमर को आप पलट के लगा सकते हैं। चार तरफ से हैमर को यूज़ कर सकते हैं। हैमर निकालने के बाद, पलटने के बाद इसको वापस लगा दीजिए। वापस लगाने के लिए जैसे हैमर खोले थे उसी टाइप से हैमर को पिन के साथ एडजस्ट करके हैमर मशीन में फिट करिए। हैमर की फिटिंग करने के बाद ऊपर से ब्लेड लगा दीजिए। मशीन को अच्छी तरह बंद कर दीजिए और सारे नट बोल्ट